अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैर व खैरियत से होंगे। आज हम आपको ओप्पो A1 के एक EMM चेंज करके बताएंगे, और वो भी डंप फाइल के बगैर। हम आपको फ़ोन ऑन करके दिखा रहे हैं, ये हमारा फ़ोन बिल्कुल ओके है, और हम आपको EMM चेंज करके भी फ़ोन ऑन करके दिखाएंगे, वो भी डंप फाइल के बगैर आपको EMM चेंज करना बताएंगे। इफ विद फर्मवेयर के साथ डंप फाइल कैसे बनती है सारा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये देख सकते हैं हमारा फोन बिल्कुल ओके है, हम इसकी EMM से चेंज करेंगे। देख सकते हैं हमारे फ़ोन के फर्मवेयर बिल्कुल ओके हैं, इसमें किसी किस्म का एरर नहीं है। इस फर्मवेयर को हम इरेज करके आपको बताएंगे। सबसे पहले हम सिक्योरिटी फाइल्स का बैकअप ले लेते हैं। सिक्योरिटी फाइल्स से हमारा IMEI होता है, अगर हम इनका बैकअप नहीं लेंगे तो हमारी सिम वर्क नहीं करेगी, इसलिए सिक्योरिटी फाइल्स का बैकअप लेना ज़रूरी है।
अब हम EMMC को बिल्कुल इरेज कर देंगे। पहले हम EMMC को इरेज करेंगे और इसके बाद हम EMMC को फैक्ट्री रिसेट करेंगे। इससे हमारी EMMC बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी EMMC रिसेट हो गई है। हम आपको आइडेंटिफाई करके दिखाएंगे। दिखा दिया आपको, ये देखें हमारी EMMC बिल्कुल क्लीन हुई है। किसी किस्म का फर्मवेयर अब इसमें कोई नहीं है। अब इसमें हम EXE CSD फाइल को राइट करेंगे। पहले हमारी EXE CSD फाइल राइट हो चुकी है। ये देख सकते हैं गाइस, हमारे फर्मवेयर में EXE CSD फाइल राइट हो गई है हमारी EMMC में। अब हम इसमें प्रीलोडर फाइल को राइट करेंगे। सबसे पहले जहां हमारी फर्मवेयर पड़ी हुई है, हम फर्मवेयर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए और हमारा भी टाइम बच जाए। आप देख सकते हैं हमारी फाइल बिल्कुल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब इस फाइल में से हम प्रीलोडर फाइल को राइट करेंगे। स्कैटर फाइल को सिलेक्ट कर देना है और सारी फाइल को अनटिक करके प्रीलोडर फाइल पे टिक लगा देना है और हमने राइट कर देना है। हमारी प्रीलोडर फाइल डाउन हो गई है, राइट हो चुकी है। अब हम EMMC को रिबूट करके मदरबोर्ड में फिक्स कर देंगे।
स्टैकाटो फाइल को रोबोटिक कार के इसमें लोड करेंगे। और इसका जो फाइल लोड हो चुकी है, अब हम रोबोटिक कार को क्लिक करेंगे।